जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सुबह के 8:03 हो गए, मॉर्निंग 8:03 AM एंड इट्स 6 नवंबर वेडनेसडे। आज 6 नवंबर वेडनेसडे है, बुधवार का दिन है। तो सबसे पहले लेवल्स आपको रिकैप कराता हूँ जो कल मैंने शाम को आप लोगों को दिए थे आज के लिए। तो निफ्टी में है 11,946 के ऊपर चले 15 मिनट या उससे ज़्यादा तो आप बाई करके खेलिए। 11,946 के ऊपर चले 15 मिनट या उससे ज़्यादा तब आप बाई करिए। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली लगाना फिर 11,896, और टारगेट को आप फिर ओपन रख सकते हो टिल 3:25 PM। मतलब सौदा इंट्राडे ही काटना। फॉर दूसरा इसमें सिनेरियो है, दूसरा सिनेरियो के हिसाब से अगर 896 के नीचे 15 मिनट या उससे ज़्यादा चले तो आप सेल करिए, और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 11,946 स्ट्रिक्टली, और टारगेट आपको ओपन रखना 3:25। ये हो गया निफ्टी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने लिखा नहीं लंबा चौड़ा, बस आपको लेवल बताता हूँ सीधा। 30,380 के ऊपर चले, मेरी बात को सुन लीजिएगा, 30,380 के ऊपर चले 15 मिनट या उससे ज़्यादा तो आपको बाई कर लेना। स्टॉप लॉस आपको लगा देना है उस केस में 30,150 का स्ट्रिक्टली, और टारगेट को आपको ओपन रखना है टिल 3:25 PM। वैसे ही दूसरा सिनेरियो है 30,150 के नीचे 15 मिनट या उससे ज़्यादा चले तो आपको सेल कर देना, और स्टॉप लॉस आपको लगा देना स्ट्रिक्टली 30,380, और टारगेट आपको रखना है ओपन टिल 3:25 PM। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। और सीधा अब आ जाता हूँ एस्ट्रोलॉजी आज क्या बता रही है, क्योंकि सब लोग बहुत रिक्वेस्ट आ रही है मुझे एस्ट्रोलॉजी। मुझे इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है मार्केट इस पर नहीं चलता। अगर आप लोग इस पर कोई ट्रेड करते हो तो इसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे, इसका प्रॉफिट भी आपका, इसका लॉस भी आपका। क्योंकि मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, बस जानता हूँ इसलिए शेयर कर रहा हूँ नॉलेज के लिए। आप इसको ट्रेडिंग के लिए यूज़ मत करिए, बस इससे एक डायरेक्शन पता करने की कोशिश करिए, बस कोशिश करिए, उस पर गारंटी मत लीजिए। तो आज 9:15 ये प्लानिटरी पोजिशन रहेगी, न्यू दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ये मुंबई के हिसाब से नहीं है। तो शुक्र और बुध लगन में बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण योग। और लगन का मालिक जो मंगल है, क्योंकि यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वृश्चिक राशि, या फिर यू कैन कॉल इट इन इंग्लिश स्कॉर्पियो, इसका लॉर्ड होता है मंगल, यानी कि मार्स। मार्स सिटिंग इन 11th हाउस इन वर्गो, वर्गो यानी कि कन्या राशि में मार्स बैठा हुआ है मंगल। तो लग्नेश लाभ भाव में, और लाभेश क्योंकि इस भाव का कन्या राशि का मालिक कौन होता है? बुध। लाभेश लगन में, तो ये जबरदस्त एक्सचेंज बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं ऑसम एक्सचेंज, क्योंकि लगन का मालिक लाभ भाव में और लाभ भाव का मालिक लगन में। क्योंकि सिक्स मतलब कन्या राशि या वर्गो, उसका लॉर्ड होता है बुध। बुध इसके लगन में बैठा हुआ है, और लगन का मालिक कौन है? मार्स मंगल, वो लाभ भाव। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सचेंज बोलते हैं इसको, लाभेश और लग्नेश के बीच में। लेकिन ये दोनों ग्रह आपस में बहुत ज़्यादा मित्र नहीं है, सम है। सम मतलब न विरोधी न मित्र, तो इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा, लेकिन अच्छा रहता है। अब आ जाइए सेकेंड हाउस, और लक्ष्मी नारायण योग है शुक्र और बुध का, तो लगन में दो शुभ ग्रह है, तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। माइंडसेट तो अच्छा है मार्केट का, लेकिन अब अदर फैक्टर्स पे हम बात करते हैं। सेकेंड हाउस क्या चीज़ का होता है? धन कुटुंब वाणी का। वहाँ पे देखिए शनि, केतु और गुरु भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ गुरु अपनी राशि में है, क्योंकि ये धनु राशि है, 9 मतलब धनु राशि, और यू कैन कॉल इट सेजिटेरियस, तो इसका लॉर्ड गुरु ही होता है, और वो खुद की राशि में बैठा हुआ है। तो है तो अच्छा, लेकिन देखिए शनि के साथ हो गया और केतु के साथ, दो पापी ग्रह के साथ बैठ गया गुरु। तो जब गुरु जो आपके गुरु के साथ भी अगर बहुत सारे पापी लोग सम्मिलित हो जाए तो गुरु का भी ध्यान भटकता है मेरे भाई।
याद रखिएगा कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। प्लस गुरु और केतु जब साथ में बैठते हैं तो गुरु चांडाल दोष बनता है। क्या बनता है? गुरु चांडाल दोष। गुरु और केतु या गुरु और राहु एक साथ बैठते हैं तो उसको बोलते हैं गुरु चांडाल दोष। तो यहाँ तो शनि भी साथ में, तो ये चांडाल दोष भी बढ़ गया है। तो गुरु का पावर यहाँ रिड्यूस हो गया है। कुछ ना कुछ अपनी राशि में होने के कारण थोड़ा सा वो पावरफुल है, लेकिन और अभी तो शायद 0 डिग्री का है, तो अभी इसको टाइम लगेगा अपनी राशि में सेटल होने में भी। तो 2-3 दिन तो मार्केट कल आया था शायद ये गुरु यहाँ पे, तो 7 तारीख तक तो इसमें गिरावट रहने की चांसेस बता रहा है मार्केट में, बैंक निफ्टी में, स्पेशली स्पेशली बैंक निफ्टी में। अब आ जाते हैं चंद्रमा की पोजीशन पे, क्योंकि निफ्टी का पोजीशन हमको इससे देखना है। तो निफ्टी भी आज खराब पोजीशन में, क्योंकि चंद्रमा देखिए कुंभ राशि में बैठा हुआ है, 11 मतलब कुंभ राशि, शनि की राशि में, और शनि डायरेक्टली चंद्रमा को देख रहा है। देखिए शनि अपनी तीसरी दृष्टि से डायरेक्टली देख रहा है। शनि शनि को पावर रहता है 3, 7, 10 देखने का। तो देखिए 1, 2, 3, तो शनि की दृष्टि जब भी चंद्रमा पर पड़ती है चंद्रमा के लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है, और राहु भी डायरेक्टली चंद्रमा को दिख रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राहु अपनी 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को दिख रहा है और शनि अपनी 3री दृष्टि से। तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा करप्शन में आज, मतलब बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है पापी ग्रह से, क्योंकि शनि की दृष्टि भी उस पर पड़ रही है और राहु की भी पड़ रही है। और चंद्रमा में एक दोष भी बन रहा है आज, केमद्रुम दोष, क्योंकि चंद्रमा देखिए यहाँ पे बैठा हुआ, इसके आगे भी कोई ग्रह नहीं है, पीछे भी कोई ग्रह नहीं है, मतलब इसके पीछे वाले प्लान पीछे वाले हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है और इससे आगे वाले हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है, यानी कि 10 नंबर और 12 में कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा खुद 11 नंबर राशि में बैठा हुआ है, 10 नंबर राशि में भी कोई ग्रह नहीं है। तो इसको बोलते हैं केमद्रुम दोष। केमद्रुम दोष में क्या होता है, जो पाया वो वापस खो देता है इंसान। तो निफ्टी ने जितना कमाया सब कुछ खोने के लिए अब तैयार है, यानी कि हम 11700 की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। तो बस ये एक मैं असेसमेंट कर रहा हूँ इस, और आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसका नाम है सद्विषा नक्षत्र। सद्विषा मतलब 100 मेडिसिन, सत मतलब 100, विषा मतलब मेडिसिन, 100 मेडिसिन। तो आज 100 मेडिसिन दी जाएगी तेजी वालों को, यानी कि आज निफ्टी कुछ 80, 50, 100 पॉइंट गिर सकता है, ऐसा ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन मैंने 1000 बार आपको बोल दिया इस पे मत जाइएगा बिल्कुल नहीं, आपको जो लेवल्स बताए गए उस पर। तो आप लोग अब इसके बारे में अगर कुछ पूछे मुझे तो मत पूछिएगा प्लीज़। अब दूसरा 12वें भाव में सूर्य नीच का बैठा हुआ है, तो विदेश से भी कुछ ना कुछ अड़ंगे आने वाले ऐसा लगता है। तो बस यही एंड करता हूँ इसको, एस्ट्रोलॉजी पार्ट को ज़्यादा बढ़ाऊँगा नहीं क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। तो अब आ जाइए ट्रेनिंग की भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, ताकि आप लोग को पता चले कहाँ क्या ट्रेनिंग है। दोस्तों देखिए ये ट्रेनिंग क्या है, बेंगलोर में है 9 तारीख को, 9 तारीख को बेंगलोर में है, 9000 रुपये फीस है सैटरडे के दिन। 17 तारीख को संडे के दिन इंदौर में 11000, दिल्ली में 24 तारीख को है संडे के दिन 20000, और मुंबई में 7 दिसंबर को है सैटरडे 20000। ट्रेनिंग एक ही दिन की होती है और 10 बजे के अराउंड स्टार्ट हो जाती है सुबह, कभी कभी 11 भी बज जाती है स्टार्ट होने में, और एंडिंग टाइम 5 या 6 PM रहता है। और आप मुझे सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, फ़ोन नहीं करिएगा, फ़ोन करेंगे तो कोई जवाब भी नहीं मिलेगा और हो सकता है आपको मैं ब्लॉक भी कर दूँ, ठीक है। और ट्रेनिंग के बारे में एक और बताता हूँ, ट्रेनिंग में आपका इसके अलावा यही सवाल हो सकता है कि सर क्या क्या लाना पड़ता है, अगर मैं कुछ भी नहीं सीखा हुआ हूँ तो मुझे आ सकता हूँ कि नहीं। तो बिल्कुल आ सकते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आ सकते हो, ठीक है। आपको लैपटॉप चलाना नहीं आता तो भी आ सकते हो, और ट्रेनिंग के लिए आपको एक लैपटॉप लाना पड़ता है। दूसरा स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है जिससे आप अपने दम पे पैसा कमा सको, प्लस स्पेशल कुछ इंडिकेटर्स लाइक स्टोकेस्टिक और ADX, इन पे थोड़ा फोकस किया जाएगा। बाकी इंडिकेटर्स के वीडियोस दे दिए जाएंगे ताकि आपको हेडेक नहीं, लिंक दे दिया जाएगा ताकि हेडेक नहीं हो, और स्पेशल फोकस रहता है आपको ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाए जिससे आपको सेफली पैसा कमाया जा सके।
बस ये सारी डिटेल मैंने यहाँ दे दिया, तो आप डिटेल पूछने के लिए भी व्हाट्सअप मत करिए। अगर आपको खाली यही व्हाट्सअप करना है कि आपको कौन सी ट्रेनिंग में आना, सीट अवेलेबल है कि नहीं, बस। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।